नमस्कार। ग्रीडे के लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज़लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर के ताजातरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार की खबरों के बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। पोषण अभियान को सफल बनाने को लेकर समाहरणालय परिसर से निकाला गया जागरूकता रथ। उपायुक्त ने हरी झंडी दिखाकर किया जागरूकता रथ को रवाना। ट्रेड यूनियन द्वारा आहूत दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल को पहला दिन रहा असरदार। जिले के सभी बैंक बीमा आदि कार्यालय रहे बंद। गिरिडीह मधुपुर रेलवे लाइन के किनारे धसे निर्माणाधीन पुलिया, ट्रेन चालक के सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। और रजनीकांत ढोसा सेंटर में हुआ फैशन शो कॉम्पिटिशन का आयोजन, विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर किया गया सम्मानित। विस्तार से पोषण अभियान को सफल बनाने को लेकर उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा द्वारा समाहरण न्यायालय परिसर में जागरूकता रथ निकाला गया। उपायुक्त ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया। पोषण अभियान के अंतर्गत पोषण पखवाड़ा के सफल संचालन को लेकर आज समाहरण न्यायालय परिसर से उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी नमन प्रियांश लकड़ा ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया। साथ ही समाज कल्याण विभाग द्वारा पोषण पखवाड़ा को लेकर आयोजित हस्ताक्षर अभियान में उपायुक्त समेत अन्य वरीय अधिकारियों ने हिस्सा लिया। पोषण पखवाड़ा का उद्देश्य लोगों में पोषण संबंधी जानकारी व व्यवहार परिवर्तन है, ताकि कुपोषण के उन्मूलन में एक कदम आगे बढ़ाया जा सके। पखवाड़े के दौरान गर्भवती माताओं को उनके खान पान की जानकारी देनी है, ताकि शिशु में कुपोषण की शुरुआती दौर में ही रोका जा सके। इसके साथ ही उपायुक्त ने कहा कि पोषण जागरूकता रथ शुरुआती दौर में विशेष रूप में वैसे प्रखंडों का भ्रमण करेगा जहां अति कुपोषण की समस्या है, वहां जाकर बच्चों तथा कुपोषण ग्रसित महिलाओं के बीच जन जागरूकता अभियान के माध्यम से उन्हें पोषण युक्त भोजन ग्रहण कराने के साथ साथ शिशुओं में उचित पोषण स्तर को बढ़ावा देने के लिए माताओं को स्तनपान के साथ ऊपरी आहार के महत्व के विषय में जानकारी प्रदान करेगी। बच्चे के जन्म के 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध ही पिलाने हेतु प्रेरित करना। शिशुओं के 6 माह पूरे होने पर उन्हें स्तनपान के साथ साथ पूरक आहार की जानकारी देना तथा खाना बनाने से पहले, खाने से पहले, शौच के बाद, कूड़ा कचरा उठाने के बाद अपने हाथों को साबुन से धोने आदि विषय की विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी। उपायुक्त ने सभी जिले वासियों से पोषण पखवाड़ा जागरूकता अभियान को सफल बनाने में अपेक्षित सहयोग करने की अपील की। कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त, जिला सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला नजारत उप समाहर्ता आदि मौजूद। एसोसिएशन ऑफ फेडरेशन के आह्वान पर दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के पहले दिन हड़ताल असरदार रहा। गिरिडीह जिले के सभी बीमा बैंक आदि कार्यालय बंद रहे। इस मौके पर विधायक सुदीप कुमार सोनू ने भी हड़ताल का समर्थन किया। एसोसिएशन और फेडरेशन के आह्वान पर 28-29 मार्च को आहूत दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के प्रथम दिन हड़ताल काफी असरदार रहा। गिरिडीह जिले के सभी बैंक बीमा आदि कार्यालय बंद रहे। बैंक एवं बीमा के सैकड़ों कर्मचारियों ने ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन, बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन BSSR यूनियन के बैनर तले LIC शाखा परिसर में धरना पर बैठे। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बीमा कर्मचारी संघ के सचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि दो दिवसीय हड़ताल आम जनों के मुद्दे को लेकर किया जा रहा है। हड़ताल को संबोधित करते हुए सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू ने कहा कि हमारे देश को लोक कल्याणकारी राज्य का दर्जा दिया गया है। कल्याणकारी राज्य परिसंपत्तियों और साधनों के आसमान वितरण को नियंत्रित करता है, लेकिन सरकार के विनिवेशीकरण की नीतियों के कारण देश में आर्थिक असमानता बढ़ी है। मैं इस हड़ताल को अपने नैतिक समर्थन देता हूँ। कार्यक्रम में संजय शर्मा, अनुराग मुर्मू, कुमकुम बाला वर्मा, श्वेता कुमारी, प्रज्ञा आनंद, अंशु, दीपक कुमार पासवान, प्रवीण कुमार हांसदा, उमा नाथ झा, राजेश कुमार, डेनियल मरांडी, सभा प्रवीण, नरेंद्र कुमार दास, मृत्युंजय कुमार सीताराम, दीपक कुमार लाल, अजय आनंद, दीनानाथ सिंह, शैलेंद्र कुमार, ध्रुव कुमार सहित सैकड़ों LIC कार्यक्रम को बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया के गौतम कुमार, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के उदय सिंह, BSSR यूनियन के मृद्युल कांति दास, माले नेता राजेश कुमार सिन्हा, झारखंड मुक्ति मोर्चा नेत्री परमिला मेहरा, एपुआ माले नेत्री प्रीति भास्कर, चिकित्सा कर्मचारी संघ के जिला मंत्री अंजनी कुमार वर्मा, बीमा कर्मचारी संघ के कुमकुम बाला वर्मा, श्वेता कुमारी, शिखा सिंह, पुष्पा कुमार आदि ने संबोधित किया। वक्ताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों पर जमकर आलोचना किया।
आज 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन 150 से अधिक एसोसिएशन और फेडरेशन ने 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है और हड़ताल का आज प्रथम दिन है। आज का हड़ताल बहुत ही असरदार रहा है। गिरिडीह जिले की बात करें तो सभी बैंक और बीमा के कार्यालय सहित पोस्ट ऑफिस सरकारी कार्यालय बंद रहे। इस हड़ताल के माध्यम से तमाम संगठनों ने देश की सरकार से मांग किया है कि देश में जो विनिवेशीकरण और निजीकरण की नीति चल रही है वह देश के हित में नहीं है। इसके अलावा महंगाई बेरोजगारी पे भी रोक लगाने की मांग की है, साथ ही साथ अनाजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून बनाने का भी मांग किया गया है। आया था उस समय देश के नीति नियंताओं के बीच यह विचार था कि चाहे कोलरी हो चाहे बैंक हो, इनका सरकारीकरण जनता के हित में होगा। आपको भी याद है और हमें भी याद है कि हमारे संविधान में हमारे देश को वेलफेयर स्टेट या कल्याणकारी राज्य का दर्जा दिया गया था। वेलफेयर स्टेट या कल्याणकारी राज्य परिसंपत्तियों और संसाधनों के असमान वितरण को नियंत्रित करता है। वह नियंत्रित करता है कि संसाधन और परिसंपत्तियां सिमट कर एक हाथों में न चली जाए। किनारे आज ट्रेन चालक की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होने से टला। रेलवे लाइन के किनारे एक निर्माणाधीन पुलिया धस गया जिससे एक बड़ा हादसा हो सकता था। गिरिडीह मधुरपुर रेलवे ट्रैक फाटक के समीप ट्रेन के चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। रेलवे फाटक के समीप एक अंडरपास पुलिया का निर्माण करवाया जा रहा है जिसमें ठेकेदार के द्वारा घोर अनियमितता बरती जा रही है। उसी की लापरवाही के कारण आज एक बड़ी दुर्घटना घट सकती थी जो ट्रेन चालक की सूझबूझ से टल गया। आज सुबह करीब 5 बजे गिरिडीह रेलवे स्टेशन से सवारी लेकर मधुपुर लौट रही सवारी गाड़ी जैसे ही उस निर्माणाधीन पुल से गुजर रही थी कि काफी जोर से आवाज सुनाई दिया तो ट्रेन के चालक ने तुरंत ट्रेन को रोक दिया। उन्होंने देखा कि निर्माणाधीन पुलिया ट्रैक के समीप धस गया और बड़ा सा गुफा बन गई है। थोड़ी देर के लिए उक्त सवारी गाड़ी में अफरा तफरी मच गया। ट्रेन चालक ने तुरंत रेलवे के अधिकारियों को सूचना दी और अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त स्थल पर अपने कर्मचारियों को भेज दिया। पुनः 1 घंटे के बाद रेलवे की आवागमन चालू की गई और सवारी गाड़ी अपने गंतव्य की ओर मधुपुर की ओर रवाना हुई। PWI सेक्शनल को खबर दिया, ठीक। खबर देने के बाद सभी लोग यहाँ पर मौजूद हुए, ठीक है। उसी टाइम ट्रेन का आने का समय भी हो गया था। ट्रेन यहाँ आके लगभग पुल के पास पहुँची और पुल के पास पहुँचते ही मतलब कि उसको रोका गया, रोक के और जो भी ख़राब स्थिति में जो जर्जर तरीके से हो गया था उसको ड्राइवर को दिखाया गया कि ट्रेन पास हुआ अन्यथा नहीं, ठीक। तो उसने भी मना कर दिया गाड़ी आगे ले जाने से। तो उसको हम लोग थोड़ा जो भी ख़राब स्थिति में था उसको ठीक किए, ब्लास्ट वगैरह डालने के बाद धीरे धीरे सभी जितना यात्री था ट्रेन में उसको उतार के धीरे धीरे गाड़ी 10 के क्वेश्चन में पार कराया गया। मेगाबाद प्लस 2 हाई स्कूल कैंपस में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगा दी गई। इस आग में स्कूल के बच्चे बाल बाल बच गए और कोई हताहत नहीं हुआ। बेंगाबाद में असामाजिक तत्वों ने प्लस 2 हाई स्कूल कैंपस में आग लगा दी जिससे बच्चे बाल बाल बच गए, कोई हादसा नहीं हुआ है। अग्निशमन विभाग की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। प्रिंसिपल शीला भट्ट कुमार ने बताया कि शिक्षकों के द्वारा सूचना मिली कि स्कूल कैंपस में आग लगा हुआ है। शिक्षकों ने अग्निशमन विभाग को सूचना दी, मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। कोई नुकसान नहीं हुआ है, सूखे पेड़ जल गए हैं, लेकिन आग लगने से एक हादसा भी हो सकती थी क्योंकि स्कूल खुले थे और स्कूल में बच्चे भी थे। क्या स्कूल कैंपस में आग लग गई है, अग्निशमन गाड़ी भी पहुंची हुई है, आग पर काबू पा लिया है, कैसे आग, क्या बताएंगे थोड़ा सा? जैसे आग लगी उसका लपट हम लोग देखे, धुआं देखे, है ना जी। अब कैसे लगा ये तो पता नहीं है। और जाकर के देखे तो जो सूखा पेड़ था उसमें आग ऊपर हवा भी बह रही थी और आग की लपट जो है
ऊपर उठते जा रही है, तो हम लोग थोड़ा सा घबरा गए और अग्निशमन के से संपर्क स्थापित किया। अभी आग पर काबू पा लिया गया? फिर अभी तो आग पर काबू पा लिया गया है, तो अभी तो इसे उतना दिक्कत नहीं लगा। किसी को नुकसान में कुछ नहीं, किसी को नुकसान नहीं हुआ है। स्कूल कैंपस में लगा हुआ था? हाँ, स्कूल कैंपस में था। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉय फेडरेशन के द्वारा नगर निगम के कुछ दबंग वार्ड पार्षदों के द्वारा काम को बाधित करने को लेकर उपायुक्त का आवेदन दिया गया। उपायुक्त से दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की गई। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के द्वारा सोमवार को नगर निगम के कुछ दबंग वार्ड पार्षदों के द्वारा काम को बाधित करने और बोर्ड को प्रभावित करने से संबंधित कई मुद्दे को लेकर उपायुक्त का आवेदन दिया गया। इस मौके पर झारखंड राज्य अध्यक्ष सह महामंत्री अशोक कुमार सिंह ने कहा कि कई दबंग वार्ड पार्षदों के द्वारा निगम के कार्यों को बाधित किया जा रहा है, जिसको लेकर आज उपायुक्त को आवेदन दिया गया और उनका ध्यान आकृष्ट कराया गया। उन्होंने कहा कि जब तक इन पर कोई ठोस कार्रवाई किया जाता है, तब तक कार्य बहिष्कार किया जाएगा। देश के प्रमुख ट्रेड यूनियन के आह्वान पर समूचे देश में आज मजदूरों का हड़ताल, उसी के क्रम में गिरिडीह जिला में भी तमाम मजदूर हड़ताल पर हैं। आज हम लोगों ने कहा है कि भारत सरकार की जन विरोधी मजदूर विरोधी नीति के कारण आज समूचा देश परेशान है। एक एक कर तमाम प्रतिष्ठान को बेचा जा रहा है। वैसे परिस्थिति में मजदूरों की हालत बदतर हो रही है। आजादी काल से ही एक एक कर इस देश के अंदर संस्थान खड़ा किया गया था, मेहनत कश और गरीबों का पैसा लगाया गया था, लेकिन आज एक तरफ मोदी सरकार कह रहा है कि हमारा देश आत्मनिर्भर बन रहा है, दूसरी ओर देश का तमाम जो संस्थान है उसको बेचा धड़ल्ले के साथ बेचा जा रहा है। यह कतरी और करनी मंदर है। इसलिए समूचे देश के तमाम ट्रेड यूनियन के आह्वान पर मजदूरों ने आज गिरिडीह जिला में हर जगह चक्का जाम कर दिया है और यह तब तक चक्का जाम रहेगा जब तक मजदूर विरोधी सरकार अपना कानून वापस नहीं लेती है। अब तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द उठते कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहे न्यूज लाइन। विगत 27 वर्षों से शिक्षा का अलग जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में नए सत्र के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में नर्सरी से क्लास 12 तक की पढ़ाई होती है। यहाँ योग के अनुभवी और समर्पित शिक्षक, कम्पेटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडर्न साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनिता सिन्हा के कुशल नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय से संपर्क करें। हमारा पता है हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर पचम्बा रोड, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में 14 वर्षों से आपकी सेवा में अंग्रेजी दवाओं का विश्वसनीय प्रतिष्ठान गिरिडीह मेडिको। जी हाँ, गिरिडीह मेडिको की एक अन्य शाखा स्टेशन रोड में खुल गया है। यहाँ पर सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाई, वैक्सीन, इंसुलिन व बड़े संस्थानों जैसी एम्स, सीएमसी, वेलोर, फोर्टिस, मुंबई, रिम्स, रांची की समस्त दवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ ऑर्डर पर बाहर की सभी दवाएं भी उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ पर रांची, धनबाद के सुप्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ डॉक्टर अजय पटवारी, मधुमेह रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर ए श्रीवास्तव, न्यूरोलॉजिस्ट सर्जन, लीवर, किडनी, मूत्र रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर शिल्पी कुमारी, नस, लकवा, माइग्रेन, मिर्गी एवं मनोरोग के विशेषज्ञ, डॉक्टर पीयूष कुमार, जनरल फिजिशियन और डॉक्टर दीपक पंडा, दांत एवं मुंह रोग विशेषज्ञ द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। यहाँ मासिक उपभोक्ताओं के लिए विशेष छूट एवं होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता मेडिको, गांधी चौक, केआर मोदी मोल, गिरिडीह। हमारा दूसरा शाखा गिरिडीह मेडिको स्टेशन रोड, गिरिडीह। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है,
झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। डीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2021 से 2024 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है, तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बर रोड जीडी बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल। भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक बाइक निर्माता जॉय ई बाइक अब आपके शहर गिरिडीह में भारतीय ऑटो द्वारा लाया गया है, जिसमें सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक स्कूटी और इलेक्ट्रिक बाइक सभी प्रकार के फाइनेंस और आसान किस्तों के साथ उपलब्ध है, तो देर किस बात की, ले आइए आपके घर बिना पेट्रोल से चलने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटी और बाइक। फास्ट चार्जिंग, लिथियम आयन बैटरी के साथ 3 साल की वारंटी, किसी भी गाड़ी की खरीदारी पर एक हेलमेट और 2100 रुपए का गिफ्ट वाउचर फ्री। हमारा पता है गिरिडीह मेन रोड गोसाला मोहल्ला पचम्बा। हमारा दूसरा ब्रांच बेंगाबाद में भी खुल गया है। नीदरलैंड चिल्ड्रन ऑफ इंडिया फाउंडेशन, जागो फाउंडेशन और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के संयुक्त सहयोग से तीसरे प्रखंड के 25 गांव में माइका प्रभावित क्षेत्र के कार्य को लेकर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव संदीप कुमार वर्तन, बाल संरक्षण इकाई सुनीता प्रसाद, सामा प्रसाद डीएलएसए संरक्षण पदाधिकारी, जागो फाउंडेशन के सचिव बैजनाथ, अभिव्यक्ति फाउंडेशन के सचिव कृष्णकांत, वनवासी आश्रम के सचिव सुरेश शक्ति, सामाजिक परिवर्तन संस्थान के सचिव उमेश कुमार, कृषि वैज्ञानिक सलाहकार सुमिति कुमारी, प्रभा वर्मा, सर्वे शिक्षा अभियान से अरुण शर्मा का स्वागत बुके देकर किया गया। उसके बाद दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। बाल मंच के बच्चे के द्वारा भाषण के माध्यम से बताया गया कि गांव में बाल मजदूरी एवं बाल विवाह के प्रति संस्था के सहयोग से बच्चों ने समुदाय को जागरूक किया है, बच्चों को शिक्षा से जोड़ाव और आगे बढ़ने का कार्य किया है। डीएलएसए सचिव ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से बच्चों के लिए एवं उनके परिवार के लिए अनेक तरह का योजना है, जिसका भी लाभ पा सकते हैं। तीसरी का क्षेत्र सुदूरवर्ती क्षेत्र है, उन तक इन कल्याणकारी योजना का समझ बढ़े। सुदूरवर्ती क्षेत्र में समझ एवं जानकारी की कमी के कारण लोग पीछे रह जाते हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं या काफी सराहनीय है। कार्यक्रम को सफल बनाने में सरोजीत कुमार, मंच का संचालन आशीष कुमार पांडे, शर्मिला कुमारी, अरविंद कुमार, पूनम कुमारी एवं बाल मंच के बच्चे विद्यालय प्रधान समिति के अध्यक्ष समेत 50 लोग उपस्थित हुए। यह कोशिश करता हूं कि उनके जो दुख दर्द हैं, उनका दुख दर्द को जिला विधिक सभा प्राधिकार की ओर से, जागृत फाउंडेशन की ओर से एवं एन फाउंडेशन के माध्यम से उन्हें दूर किया जा सके, समाप्त किया जा सके, जागरूक किया जा सके। मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूं कि भारत में निवास करने वाले प्रत्येक नागरिकों के लिए संविधान में यह प्रावधान है कि उनके अधिकार, उनका रिहैबिलिटेशन के लिए कानून में प्रावधान है। साथ ही साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में कई जन कल्याणकारी योजनाएं उनके लिए बनी हैं, उन योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच सके और इसके लिए एजेंसी लगातार प्रयासरत है। क्या कार्यक्रम है आज? जागो फाउंडेशन और चिल्ड्रन ऑफ इंडिया फाउंडेशन के द्वारा जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन मीर प्रेसिडेंसी में किया गया। इस कार्यशाला का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि गिरिडीह जिले के तीसरी और गाँव प्रखंड के
सुदूरवर्ती क्षेत्र माइका माइनिंग एरिया है, उस एरिया के जो बच्चे हैं और परिवार के लोग, खासकर जो माइका बेल्ट के परिवार हैं, उनका जो माइका सप्लाई चेन है उसमें इन्वॉल्वमेंट है और उस खासकर उस तरह के कामों में लगे हुए परिवारों को जो उनके लिए सरकार के द्वारा किसी भी तरह का जो नीति है या उस कानून में बनाया नहीं गया है। खासकर अगर देखा जाए तो जब बिहार था तो बिहार माइका अधिनियम करके हुआ करता था, जिसमें इस एरिया के माइका माइनिंग एरिया के लोगों का पुनर्वास या उसको राहत दिया जाता था। कॉलेज राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 2 द्वारा संचालित विशेष शिविर में विनोबा भावे विश्वविद्यालय के एनएसएस के समन्वयक डॉक्टर जॉनी रुफीना तिर्की शिरकत की। सर्वप्रथम राष्ट्रीय सेवा योजना का लक्ष्य गीत गाकर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन हुआ। तत्पश्चात समन्वयक का एनएसएस की तालियां बजाकर स्वागत की गयी। इस दौरान उन्होंने स्वयं सेवक को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना व्यक्तित्व के विकास में सराहनीय कार्य करती है, स्वयं सेवकों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। उन्होंने महिला आत्मा सुरक्षा को लेकर कई जानकारियां दी। साथ में उन्होंने कहा कि महिलाएं अब किसी भी मायने में पुरुष से पीछे नहीं है, सिर्फ हमें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है। सरिया कॉलेज के स्वयं सेवकों के द्वारा किए गए कार्यों की उन्होंने प्रशंसा की। वहीं प्राचार्य डॉक्टर संतोष कुमार लाल ने कहा कि स्वयं सेवक समाज के लिए निःशुल्क श्रम देकर अपनी मानवता के धर्म को प्रदर्शित कर रहा है। प्रशिक्षक कलेश्वर प्रसाद ने विस्तार से बताया। कार्यक्रम का संचालन व धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम पदाधिकारी प्रोफेसर अरुण कुमार ने की। इस मौके पर समाज सेवी लखन मेहता, शुभम प्रियांशु, आकाश मंडल, ज्योति कुमार, पूनम कुमारी, शिल्पी कुमारी, शीतल कुमारी, गायत्री कुमारी, संध्या काजल, शिल्पी समेत कई स्वयं सेवक उपस्थित थे। सरिया कॉलेज सरिया के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 2 के द्वारा आयोजित विशेष शिविर की आज छठे दिन में मुझे मौका मिला कि मैं इन लोगों के बीच आऊं और बच्चों के काम को देखकर खुशी हुई कि इन लोगों ने बिरो टंडा के बीच काम किया है। और आने के बाद पता चला कि इन लोगों ने बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ बुरे बच्चों को नहलाने का भी काम किया है, ये सराहनीय है। एनएसएस वो प्लेटफॉर्म है जब मौका देता है दूसरों को, हमारे बच्चों को, कि वो पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक सरोकार की जो बात है उसके प्रति जो दायित्व है उसके प्रति वो जागरूक हो। और पढ़ाई के साथ साथ अगर ये काम भी हो तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में हम जिस समाज का निर्माण करेंगे वहाँ हमारे सिंसियर वॉलंटियर्स की जिसकी जवाबदेही होगी वो निस्संदेह एक सब सामाजिक जीवन जीने के लिए एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह उभर कर सामने आएंगे। मेगाबाद प्रखंड कार्यालय के सभागार में सोमवार को पंचायत समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख प्रसाद यादव ने किया। इस बैठक में वर्ष 2022-23 में होने वाली योजनाओं के बारे में चर्चा की गई। इस मौके पर मुख्य रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी मोहम्मद कयूम अंसारी, प्रखंड जयप्रकाश मंडल, राम प्रसाद यादव, उपेंद्र कुमार, हसनैन आलम, मालती देवी समेत पूरे प्रखंड के पंचायत समिति सदस्य मौजूद थे। पंचायत समिति की बैठक है, क्या बताएंगे थोड़ा? आज पंचायत समिति की विशेष बैठक आयोजित की गई है, जिसमें जिला एवं राज्य से निर्देश था कि आबाद एवं अनाबाद में अपना पंचायत समिति मेंबर या कमेटी योजना को प्रस्ताव में पारित करके इसको भेजें। उसी के तहत आज मीटिंग किया गया है। पूरे प्रखंड क्षेत्र में लगभग 2 करोड़ की योजना है, जिसमें 1 करोड़ आबद और 1 करोड़ अनाबद योजनाओं मान्य सदस्यों के द्वारा लेकर इसे प्रस्ताव पारित किया गया है। 2 करोड़ की योजनाओं का प्रस्ताव पारित किया। पंचायत समिति की बैठक रखी गई, क्या सोचा बताएंगे थोड़ा? यह आज पंचायत समिति की बैठक आज की गई थी, जिसमें 2022-23 के लिए आबाद और अनाबाद से 1 करोड़ रुपये की योजना प्रस्ताव पारित किया गया है और उसको हम लोग इसके बाद 2022-23 की GDP में बढ़ाने का काम करेंगे ताकि भविष्य में इन योजनाओं का निर्माण कर।
गिरिडीह कोर्ट रोड स्थित रजनीकांत ढोसा सेंटर में फैशन शो का आयोजन किया गया। बड़े शहर के तर्ज पर गिरिडीह में बड़े पैमाने पर शो का आयोजन किया गया, जिसमें गिरिडीह की कई महिला और युवतियां ने भाग लिया। निर्णायक समिति के मेंबर डॉक्टर अमित राय, डॉक्टर मनीषा जलान, डॉक्टर मंजीत आजाद, नेहा जलांती। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन एवं गणेश वंदना से किया गया। कार्यक्रम बहुत सफल रहा, जिसमें 18 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में फीस के रूप में 500 रखा गया था। इस फैशन शो में प्रथम स्थान अनीता झापड़ा को 5100 रुपए से सम्मानित किया गया। कमलप्रीत को सेकंड, थर्ड जया सिंह और फोर्थ ज्योति हुई। तीनों प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन सफल रूप से सरिता अग्रवाल, मीनू वर्मा तथा नवजोत सिंह के द्वारा किया गया। कंपटीशन करवा रहे हैं रजनीकांत ढोसा सेंटर में। इस फैशन शो कंपटीशन से हम यही दिखाना चाह रहे हैं और अपनी महिलाओं को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और अपनी कल्चर को हम रीच बनाना चाह रहे हैं और अपनी पीढ़ी की महिलाएं, इसके लिए हम लोगों ने मीटिंग पार्टिसिपेट किए हैं इस प्रोग्राम में और इसमें हम लोग चयन करेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड और नगर निगम लेवल पे ये चयन किया जाएगा और इसकी ऑर्गेनाइजर है सरिता अग्रवाल मैम, जिन्होंने बहुत ही मेहनत किया है और बहुत ही उमदा सोच है अपनी की महिलाओं को हम लोग चाहते हैं कि आगे लाए हर क्षेत्र में। तो ये हम लोग का कोशिश है कि हर बार हम लोग कुछ न कुछ नया करवाते रहे और हम लोग का गिरिडीह में पहला ऐसा कार्यक्रम हो रहा है फैशन शो का, फर्स्ट है। और आगे हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ की लड़कियाँ लोग और आगे बढ़े ताकि अलग अलग और कार्यक्रम हम लोग कर सके और अच्छा यहाँ का माध्यम रजनीकांत के माध्यम से ये शो ऑर्गेनाइज हो। आज के इस प्रतियोगिता में कितने लोग पार्टिसिपेट 80 ओपन माइंड स्कूल में शिक्षकों को लीड के द्वारा दी जाने वाली 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन आज हुआ। इस शिविर में लीड के द्वारा भेजे गए प्रशिक्षक आकाश ने नई शिक्षा प्रणाली की समुचित ढंग से प्रशिक्षण दिया। इस प्रशिक्षण शिविर में बच्चों को डिजिटल शिक्षण प्रणाली से बच्चों को कैसे उनकी शारीरिक एवं बौद्धिक विकास हो सके, इसकी पूरी जानकारी दी गई, जिसमें हर क्लास में स्मार्ट टीवी और टैब होंगे, जिससे बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी, जो कि आज के जीवन के लिए अति आवश्यक है। इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में विद्यालय की प्रधानाचार्य ममता शर्मा के अतिरिक्त अजीम हेदर, उर्मी दत्ता, वंदना सिन्हा, कुसुम सिन्हा, जावेद अख्तर, स्वाति सिंह, सृष्टि सिन्हा, शशि सिन्हा, नवीन कुमार, मनोज मंडल, दिनेश रजक, शिवानी गुप्ता, प्रियंका जायसवाल आदि शिक्षक एवं शिक्षिकाओं ने भाग लिया। पिंडी प्रखंड के भरकट्टा माहौरी मंडल के द्वारा आयोजित 3 दिवसीय मां मथुरा सिनी पूजा के उपलक्ष्य में रविवार को प्रतिमा विसर्जन के दौरान काफी हर्षोल्लास के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जो दुलारडीह से निकलकर भरकट्टा बाजार पहुंचा, जहां शिव प्रसाद राम के द्वारा सभी श्रद्धालुओं को शरबत पिलाया गया। इस अवसर पर लोगों ने कई गीतों में जमकर झूमे, उसके बाद प्रतिमा विसर्जन किया गया। इस मौके पर भरकट्टा माहौरी मंडल अध्यक्ष अजीत चरण पहाड़ी, प्रेम सागर राम, अरुण राम, रामचंद्र राम, सुरेश राम, युवा समिति अध्यक्ष राकेश तरवे, जितेंद्र सेठ, सुमन कुमार, अमरजीत कुमार, गोलू तरवे, अजीत कुमार, सदानंद कुमार समेत सैकड़ों लोग उपस्थित थे। सोमवार बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के मोदीलेदा कोल्हासिंगा गांव में श्री श्री 1008 श्री हनुमंत प्राण प्रतिष्ठा सह श्री रामचरित्र मानस 9 दिवसीय महायज्ञ का आयोजन किया जाना है, जो 1 मई से 9 मई तक होगा, जिसका यज्ञ प्रारंभ से पूर्व आज यज्ञ स्थल पर ध्वजारोहण का कार्य किया गया और पूरे गाजे बाजे के साथ पूरे गाँव का भ्रमण झंडा के साथ किया गया। पूरा क्षेत्र जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगी के नारे से गूंजता रहा, जिससे पूरे आस पड़ोस का क्षेत्र भक्तिमय हो गया। वहीं पुरोहित आचार्य संजय कृष्णा, पंकज देव शास्त्री, पिंटू शास्त्री, धीरज शास्त्री ने मंत्र उच्चारण के साथ पूजा पाठ करवाया। इस यज्ञ को सफल बनाने में मुख्य रूप से यज्ञ समिति के अध्यक्ष रितलाल प्रसाद वर्मा, सचिव नरेश कुमार वर्मा, जितेंद्र वर्मा, हेमंती देवी, किरण देवी, रामदेव समेत पूरे कोल्हासिंगा मोतीलेदा के लोग लगे हुए हैं। आज 9 दिवसीय महायज्ञ का प्रारंभ होने से पूर्व आज झंडारोपण का कार्यक्रम आयोजित की गई है, बताएंगे क्या? आज कोल्हासिंगा ग्राम में झंडारोपण का कार्यक्रम रखा गया और यह रामचरित मानस महायज्ञ का आयोजन 1 मई 2022 से 9 मई 2022 तक किया जाएगा और आज से हमारे गांव में
मांस मछली दारू मंदिरा का टोटल एकदम बंद रहेंगे। किसी भी तरह से यहाँ पर कोई ऐसा नशेला या मांसाहारी भोजन अभी एक महीना तक नहीं रहेगा। और पूरे गांव के लोग से मैं आग्रह करूँगा कि बढ़ चढ़ के भाग लेंगे, तथा मीडिया वाला से भी मेरा आग्रह होगा कि इसका प्रचार प्रसार हो। कोला सिंघा में मतलब 9 दिवसीय महायज्ञ का ध्वजारोपण का कार्य क्या किया, क्या पंडित बताएंगे जी? आज कोला सिंघा में हम बहुत धाम से आए हैं। मेरा नाम आचार्य संजय कृष्ण शास्त्री है। ध्वजारोपण के लिए बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही व्यवस्था अच्छी इस कोला सिंघा ग्राम के लोग के बड़ा ही भक्ति उमंग के साथ आज ध्वजारोपण के लिए हम सब आए हैं। और इस समय नगर भ्रमण हो रही है, पूरे गांव में हनुमान जी झंडा लेकर के ध्वजारोपण के लिए हम सब निकले हैं। बस घूमने के बाद ध्वजारोपण हो जाएगी और 1 मई से 9 मई तक बड़ा ही सुंदर अवध धाम से आ रहे हैं हमारे ध्रुव जी महाराज। और लेडीज़ वक्ता में रत्नामणि द्विवेदी जी आ रहे हैं अपने मुखारविंद से श्रीमद् भागवत की कथा और रामचरितमानस की कथा यहाँ के श्रोताओं को लोगों को लाभान्वित करेंगे। और हमारे सभी वैदिक विद्वान के साथ बड़ा ही सुंदर दिव्य से दिव्य इस यज्ञ को हम सब संपन्न करेंगे।